नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली NCR। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं पालम विधानसभा के जो विधायक हैं भावना गौड़, उनके दफ्तर में। साथ में हमारे भावना गौड़ जी मौजूद हैं और साथ में सूरज कुमार जी मौजूद हैं। इनका आज जन्मदिन है और पार्टी में शामिल कराया है बहन भावना गौड़ ने। भावना जी, क्या कुछ कहेंगी? जन्मोत्सव भी है सूरज जी का और पार्टी में विधिवत तौर पर आपने शामिल कराया, टोपी और पटका इनको पहनाया। देखिए, बहुत सारे अलंकारों की तो ज़रूरत नहीं है कहने के लिए। पार्टी में आज विधिवत तौर पे हमने अपने एक साथी जो सादनगर के निवासी हैं, अपने बहुत सारे साथियों के साथ में और पूरे परिवार के साथ में, उनकी श्रीमती जी ने, उनके बच्चों ने आज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। लेकिन सही मायने में कहूँ, आम आदमी पार्टी की कैप आज पहली बार पहनी है। लेकिन पिछले तीन चुनाव जो मैं पालम से लड़ चुकी हूँ, तीनों चुनाव के अंदर मेरे बहुत अच्छे साथी और सहयोगी के तौर पर इन्होंने काम किया और हमने कहा कि अब आइए पार्टी के अंदर अपने कामों का कमाल जो आपने पर्दे के पीछे रह करके दिखाया है वो लोगों के सामने आना चाहिए। और आज सौभाग्य की बात है, सूरज भाई का जन्मदिन भी है और इससे अच्छा दिन हमें कोई नहीं मिल सकता। एक ऐसा दिन जब हम ये महसूस करते हैं कि इस धरती पर आना हमारा कामयाब हुआ है और अच्छे लोगों का एक समूह जब बनता चला जाता है, जुड़ता चला जाता है, तो समाज हमेशा अच्छाई और सच्चाई की ओर अग्रसर होता है। तो पालम विधानसभा का और विशेष तौर पर सादनगर का ये वार्ड, आज इस वार्ड में हमारे और साथी जुड़े हैं और हमारा परिवार बड़ा हुआ है, मजबूत हुआ है। और ये काम केवल दिल्ली में और पालम विधानसभा में नहीं हो रहा, आप देख रहे हैं दिल्ली के बाद में पंजाब फतेह हमने किया है, इसके बाद में हरियाणा और हिमाचल, गुजरात को फतेह करने जा रहे हैं। और आम आदमी पार्टी का ये परिवार दिन पर दिन प्रगति कर रहा है, बड़ा हो रहा है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी विधानसभा की तरफ से हमारे सूरज भाई को जन्मदिन के पावन पर्व पर बहुत सारी इनको शुभकामनाएं दूंगी, बधाई दूंगी। परमात्मा इनको स्वस्थ रखे, इनके परिवार को आगे बढ़ाए। जो सुंदर संस्कार लेकर के आप परिवार को दे रहे हैं, वो इनका संस्कार अब समाज के अंदर भी जाएगा। और आज का बहुत शुभ दिन है। मेरे पार्टी के बहुत सारे वॉलंटियर्स यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार मेरी तरफ से पुनः सूरज भाई को बहुत सारी शुभकामनाएं और आम आदमी पार्टी के परिवार में शामिल होने पर भी बहुत सारी बधाई है। धन्यवाद बहन भावना गौड़। साथ में सूरज जी मौजूद हैं। सूरज भाई, क्या कुछ कहेंगे? आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का क्या कारण रहा? बहन भावना गौड़ से व्यक्तिगत जो संबंध है, जो मेहनत है आपकी, वो सब कारण है या फिर पार्टी की जो रीति है, नीति है, उसके चलते ये हुआ? आम आदमी से हम कार्यकर्ता के तौर पर तो काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। जब से बहन जी पहला इलेक्शन लड़ा था, जब भी हमने काम करा जोड़ा, फिर एक दिन हम इधर मिलने आए तो दीदी का आशीर्वाद और दीदी ने बोला कि बेटा तू इधर ढंग से काम कर और आगे बढ़ के काम कर, दो लोगों को दिखना चाहिए कि आम आदमी के लिए आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो दीदी का आशीर्वाद मिला और सबसे मुझे खुशी है कि दीदी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस पार्टी के लिए कुछ कर सकता हूँ या भागदौड़ कर सकता हूँ या काम कर सकता हूँ, इनका मुझे आशीर्वाद मिला। विनोद भाई ने मुझे मार्गदर्शन जाकर पकड़ो, संदीप भाई ने, महेश भाई ने, इन्होंने, डिग्री भाई ने, सब ने मुझे कहा कि आगे बढ़ कर कुछ ना कुछ तो दिखना चाहिए, जो कर रहे हो कुछ ना कुछ दिखिए। और हमारे जो यहाँ के अध्यक्ष जी है राय जी, अजय राय जी, उन्होंने एक दिन मैं बैठा हुआ था, उन्होंने बुलाया, कह रहा है सूरज तू काम भी कर और यहाँ पे आ और तुझे मेहनत का फल मिलेगा। तो इनका आशीर्वाद है राय साहब का, दीदी का, और मैं, इन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस टोपी के लायक हूँ कि आम आदमी की मैं टोपी पहन के कुछ करने लायक बनाऊँ। आगे क्या कभी चुनाव लड़ने का भी मन है, क्योंकि पार्टी का कुनबा बड़ा है, टिकटार्थी ज़्यादा है? नहीं, इस बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा और ना मेरे में अभी दिमाग में है, कभी भविष्य में मैंने सोचा नहीं कि इलेक्शन के बारे में सोचूं। बस ये कार्यकर्ता के तौर पे काम करता रहूं, इतना ही बहुत है मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय राय जी मौजूद हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं। राय साहब, पार्टी लगातार बढ़ रही है, पार्टी में जो लोग हैं कद्दावर लोग, वो लगातार शामिल हो रहे हैं, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पलम विधानसभा में भी पार्टी का जो कुनबा है लगातार बढ़ रहा है, क्या कुछ कहेंगे? जी, सबसे पहले तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे सूरज भाई की आज आम आदमी पार्टी की ज्वाइनिंग के अवसर पर यहाँ पर आप उपस्थित हुए हैं। और जहाँ तक पार्टी परिवार के बढ़ने की बात है, तो निश्चित रूप से जनता जो मैंडेट दे रही है, तो जनता का मैंडेट ही अपने आप में आम आदमी पार्टी का एक बड़ा परिवार है। तो परिवार का बढ़ना स्वाभाविक रूप से सुनिश्चित है और इसी के आधार पर परिवार बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने और वहाँ के लोगों ने जो एक हिस्ट्री बनाई है, एक इतिहास रचा है, तो मैं समझता हूँ कि निकट भविष्य में होने वाले चुनाव में और कम से कम निकटवर्ती
स्टेट्स में इसी तरह का इतिहास बनेगा, जिस तरह से आम आदमी पार्टी का परिवार बढ़ता जा रहा है, इसी तरह से लोग नया इतिहास रचेंगे, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो हरियाणा हो, और चाहे फिर प्रधानमंत्री का एरिया गुजरात क्यों ना हो। तो अभी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सूरज जी आपको, धन्यवाद आपके राजनीतिक भविष्य के लिए और साथ में आपके जन्मदिन के लिए। सूरज जी को आपने सुना, साथ में बहन भावना गौड़ को और जो अध्यक्ष हैं अजय राय उनको आपने सुना। सहयोगी विजय त्यागी के साथ पालम विधानसभा आम आदमी पार्टी ऑफिस से मैं अनंत कौशिक।